हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू सेलेब चिटचैट विद मन्नू। सो गाइस, आज का वीडियो सारे ही व्यूअर्स के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ इन्फॉर्मेटिव भी होने वाला है, बिकॉज वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आप सभी के फेवरेट इंडियन आइडल सीजन 13 कंटेस्टेंट ऋषि सिंह की रियल लाइफ स्टोरी के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग होने के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी है। एंड उसी के साथ साथ एक और शॉकिंग फैक्ट ये है कि ऋषि को बचपन में ही उनके रियल पेरेंट्स ने छोड़ दिया था। सो इसके बारे में भी हम बात करेंगे वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए और स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऋषि सिंह का जन्म 2003 में अयोध्या यूपी के अंदर हुआ। बात करें उनकी फैमिली में, तो गाइस उनकी फैमिली के अंदर उनके पेरेंट्स के अलावा ऋषि हैं। उन्होंने अपनी स्कूलिंग फैजाबाद के एक प्राइवेट स्कूल से कंप्लीट की, जिसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन देहरादून उत्तराखंड से कंप्लीट किया। ऋषि को बचपन से ही सिंगिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था एंड उन्हें बड़े होकर इसी फील्ड में अपना करियर बनाना था, पर गाइस उनके पेरेंट्स इस चीज को लेकर कभी भी एग्री नहीं थे, बिकॉज उनका ही मानना था कि ऋषि को अपनी स्टडीज पर फोकस करना चाहिए एंड इसके बाद एक सिक्योर जॉब लेना चाहिए, जो कि हर एक पेरेंट्स का होता है। एंड यही एक रीजन था कि ऋषि और उनके पेरेंट्स के बीच काफी बड़ी अनबन भी होती थी, बिकॉज गाइस ऋषि जहां अपने सपनों को पूरा करना चाहते थे, उसके लिए मेहनत करना चाहते थे, वहीं उनके पेरेंट्स उनके फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा वरिड थे और इसीलिए वो चाहते थे कि ऋषि केवल और केवल गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करें और फालतू की चीजों में ना पड़े। हालांकि गाइस बहुत ज्यादा स्ट्रगल के बाद फाइनली ऋषि ने अपने पेरेंट्स को इस चीज के लिए कन्विंस कर ही लिया कि उन्हें अपने बेटे को इस चीज में सपोर्ट करना चाहिए एंड वो एक ना एक दिन आपको प्राउड जरूर फील कराएंगे। बात करें उन्होंने सिंगिंग कहां से स्टार्ट की, तो गाइस शुरुआत में उन्होंने गुरुद्वारा में सॉन्ग्स गाना शुरू करा था, जहां पर गाने गाते गाते उनकी प्रैक्टिस काफी ज्यादा होती गई, जिसके बाद ऋषि को कुछ एक स्टेज परफॉर्मेंस करने का भी चांस मिला एंड इस सब के बाद उनमें काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आया एंड गाइस वहां से उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत करी। तो अब हम बात करते हैं उन म्यूजिक वीडियोस के बारे में जिसमें ऋषि ने अपनी आवाज दी है, तो इनमें शामिल है जी लेंगे, असूमिया एंड इल्तिजा। एंड गाइस उसी के अलावा कुछ एक बॉलीवुड सॉन्ग्स भी हैं जिनमें ऋषि ने अपनी आवाज दी है। सो गाइस उनमें शामिल है आज भी, फिर मोहब्बत एंड लवों को। सो ये सारे ही वो गाने हैं जो कि ऋषि ने अपनी आवाज में गाए हैं एंड गाइस वो वाकई बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, ये चीज तो हमने खुद देखी है। हालांकि एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ऋषि ने इंडियन आइडल सीजन 11 में भी पार्टिसिपेट किया था, हालांकि गाइस वो फाइनल राउंड में रिजेक्ट कर दिए गए थे एंड उस टाइम पर उनके लिए ये चीज बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग थी, क्योंकि उन्होंने हमेशा से ही इंडियन आइडल का सपना देखा था एंड उसके बाद पूरे 1 से 2 साल तक उन्होंने अपने ऊपर काम किया, अपने आप को इम्प्रूव करा, जिसके बाद गाइस अब हम उन्हें देख रहे हैं सीजन 13 के अंदर एंड यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं शुरुआत से ही और जजेस भी उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। सो गाइस ये तो रही उनके करियर की बातें, अब हम बात करते हैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, जो कि उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा सच है और ये चीज उन्हें खुद अब आके पता लगी है जब वो पूरे 20 साल के हो चुके हैं। जी हाँ गाइस, जब वो पूरी तरीके से सिलेक्ट हो चुके थे इंडियन आइडल सीजन 13 में और उसके बाद से उनकी जर्नी की शुरुआत भी हो चुकी थी शो के अंदर, तभी उन्हें एक बार फिर से अयोध्या यूपी में जाने का मौका मिला, जो कि उनका खुद का शहर है। वहां पर जाने के बाद उन्हें एक सच पता लगा कि गाइस उनके जो पेरेंट्स हैं, यानी कि राजेंद्र सिंह जी एंड अंजलि सिंह, वो उनके रियल पेरेंट्स नहीं हैं, बल्कि इन लोगों ने उन्हें अडॉप्ट किया था बचपन में जब वो काफी ज्यादा छोटे थे एंड उनके रियल पेरेंट्स ने उन्हें छोड़ दिया था। एंड इस चीज को डिस्कस करते हुए ऋषि हमेशा ही काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, बिकॉज उनके पेरेंट्स ने उनसे सच पूरे 20 साल तक हाइड करके रखा था, जो कि उन्हीं की बेहतरी के लिए था। सो अकॉर्डिंग टू ऋषि, उनके पेरेंट्स ने उनके लिए बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया है और अगर उस टाइम पर उनके इन पेरेंट्स ने उन्हें अडॉप्ट नहीं किया होता, तो शायद ही वो आज जहाँ पर है वहाँ होते।
सो गाइज इस चीज़ के लिए वो अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। वहीं कहीं ना कहीं ऋषि के रियल पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा होगा कि जिस बच्चे को बहुत छोटी सी एज में ही उन्होंने अकेला छोड़ दिया था, अब वो अपनी अलग पहचान बना चुका है एंड इंडिया ही नहीं आउट ऑफ इंडिया भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। सो गाइज क्या आपको लगता है कि ऋषि सिंह इंडियन आइडल सीजन 13 के विनर बन सकते हैं? प्लीज लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज, प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट। अब मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, लव यू ऑल।